हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई ट्रैवल सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िला के दर्शन करवाएंगे। सिरमौर हिमाचल प्रदेश के सबसे दक्षिण में बसा डिस्ट्रिक्ट है और इसकी सीमा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से लगती है। नाहन इस ज़िला का बड़ा शहर और हेडक्वार्टर है। गिरी नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है, सिरमौर ज़िला को दो भागों में बांटती है। गिरी नदी से पार वाला एरिया गिरी पार्क क्षेत्र कहलाता है और पिछले साल ही इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में जहां कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहीं प्राकृतिक रूप से ये क्षेत्र उतना ही समृद्ध भी है। अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये एरिया हमेशा पिछड़ा रहा है और कम ही पर्यटक इस तरफ का रुख करते हैं। इस ट्रैवल सीरीज़ में हम आपको सिरमौर ज़िला के लगभग सभी रीजन्स की सैर करवाएंगे, जिसमें हम अपना सफ़र शुरू करेंगे गुरु की नगरी पांवटा साहिब से। फिर शिलाई होते हुए हम पहुंचेंगे गत्ताधार और वहां से हरिपुरधार व संगड़ाह रेणुका जी होते हुए हम ज़िला मुख्यालय नाहन जाएंगे। नाहन से फिर बागथान बेचड़ बाग के रास्ते से हम बड़ू साहिब और राजगढ़ से होते हुए सोलन की तरफ निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये फर्स्ट पार्ट और चलते हैं अपने पहले दिन के सफर पर। आज है 29 जून और हम अभी हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे दक्षिण में बसे शहर पांवटा साहिब में। पांवटा साहिब जिला सिरमौर का एक बड़ा शहर है और ये फेमस है यहाँ स्थित गुरुद्वारा के लिए। तो सबसे पहले हम वहीं पर आए हैं और आज यहाँ पांवटा साहिब में झमाझम बारिश भी हो रही है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पांवटा साहिब में एक लंबा वक्त व्यतीत किया है। पांवटा नाम ओरिजिनेट हुआ है पांव टिका से। पांव यानी पैर और टिका मतलब टिकाना। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने घोड़े पर सवार इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तो इस स्थान पर उनके घोड़े ने अपने पांव रोक अथवा टिका लिए, इसलिए इसे पांव टिका व बाद में पांवटा साहिब के नाम से जाना गया। अभी यहाँ पर भव्य गुरुद्वारा बना है और दूर दूर से सिख श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। वाहे जी का खालसा, वाहे जी की फतेह। असी यूपी ते बिनौर तो आए हैं। असी हेमकुंड साहिब होकर के, ऋषिकेश होकर के, ऑर्डर साहब दर्शन करके आए हैं। कर रहे हैं ऑर्डर साहब के बाद फिर बिनौर जाएंगे। 50-60 बंदे लेके पिंड से आए हैं, इतने दर्शन करवाए। इतने बाबा बापा गुरु गोबिंद सिंह जी इतने आए थी। यहाँ रुक करके टिकट पांवटा साहब उन्होंने नाम दिया। गुरु गोबिंद सिंह ने यहाँ चार युद्ध लड़े थे। अजीत बाबा अजीत सिंह का भी जन्म जारी हुआ स्थान है जी। पहले पुत्र गुरु गोविंद सिंह के जो अजीत सिंह जी, उन्होंने स्थान भी है जन्म हुआ सी। ये गुरुद्वारा यमुना नदी के किनारे पर बना है और कहा जाता है कि यमुना नदी यहाँ पर हमेशा शांत होकर बहती है। गुरु जी ने ही नदी से शांत रहने की गुजारिश की थी और आज भी बाढ़ आने पर भी ये नदी यहाँ पर शोर नहीं करती। बारिश यहां लगातार हो रही है और अब मैं आ गया हूं पांवटा साहिब बस स्टैंड, जो कि गुरुद्वारा से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। पांवटा साहिब चंडीगढ़ देहरादून मेन रोड पर पड़ता एक बड़ा शहर है और यहां पर काफ़ी बसेस का आना जाना भी होता है। उस लिहाज से वैसे बस स्टैंड थोड़ा तंग है, इसलिए यहाँ हमेशा बसेस का जमावड़ा सा लगा रहता है। मुझे आज जाना है गत्ताधार और मेरी बस इस तरफ खड़ी है। यहाँ से गत्ताधार के लिए एक ही HRTC बस जाती है और कुछ प्राइवेट बसेस भी उस तरफ के लिए जाती हैं। हमारी बस यहाँ से 10:55 पर चलेगी। पांवटा साहिब से शुरू होकर ये बस सत्तौन, कमरऊ, कफोटा, टिम्बी, शिलाई, द्राबिल व नैनीधार से होते हुए गत्ताधार तक जाती है। हालांकि यहां पर मुझे पता चला कि आजकल ये बस गत्ताधार से 5-7 किलोमीटर पहले पंजोड़ नाम के गांव तक ही जाती हैं। उसके आगे जाने का फिर कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। चलो, वो तो आगे जाकर देखा जाएगा। आप चल रहे गत्ताधार? हां, दूसरे जा रहे इसमें। अच्छा, ठीक है। मैं जा रहा हूं गत्ताधार। गत्ताधार
इसके बाद फिर बस के चलने का समय हो गया और 11 बजे बस निकल गई पांवटा साहिब से गत्ताधार के सफर पर। ये हमारे उस्ताद रणदेव जी हैं जो आज हमें लेकर जा रहे हैं गिरिपार की वादियों में। हमारे साथ कंडक्टर हैं मनोज जी और वो भी पीछे टिकट्स काटने में बिजी हैं। बारिश तो यहाँ पर रुक नहीं रही और ऐसे मौसम में ऊंचे पहाड़ों में जाना थोड़ा रिस्की भी रहता है, लेकिन मैंने वेदर प्रेडिक्शन चेक किया था, उसी हिसाब से तो आगे गिरिपार एरिया में अगले 2-3 दिन का मौसम साफ है और कोई अलर्ट भी नहीं है। अब बारिश कब रुकेगी ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। अभी हम चल रहे हैं NH 707 पर जो कि पांवटा साहिब से हाटकोटी तक है। ये हाईवे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में से होता हुआ निकलता है और दोनों ही राज्यों को इस नेशनल हाईवे का लाभ मिलता है। हालांकि पहले ये एक सिंगल लेन हाईवे था, मगर अब इसे डबल लेन बनाया जा रहा है। पांवटा साहिब से थोड़ा आगे चलकर आता है राजबन, जो कि फेमस है सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्लांट के लिए। देश में ऐसे 10 प्लांट्स हैं और राजबन CCI प्लांट उनमें सबसे पुराना है। राजबन से आगे फिर थोड़े पहाड़ शुरू हो जाते हैं और इस रोड का काम भी चल रहा है तो बारिश में यहाँ थोड़ा कीचड़ हो गया है। हालांकि इस रोड के बीच बीच के कुछ पैचेस बनकर तैयार भी हो गए हैं। ये है सतौन से पहले गिरी नदी पर बना पुल। ये नदी सिरमौर ज़िला के बीचों बीच बहती है और इस ज़िला को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। आगे के पार्ट्स में भी हम इस नदी के आर पार जाते रहेंगे। तो गिरी नदी को पार करके हम पहुंच गए हैं सतौन। यहां से ये लेफ्ट वाला रास्ता रेणुका जी की तरफ जाता है। और यहां पर हमारी बस रुक गई चाय के लिए। सतौन गिरी नदी के इस पार है, यानी अब हम गिरिपार जनजातीय क्षेत्र में पहुंच गए हैं। बारिश लगातार हो ही रही है तो मौसम एकदम ठंडा सा हो गया है, तो यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पीने का मज़ा आ गया। हम यहाँ पर 10 मिनट के लिए रुके और चाय पानी पीने के बाद आगे के सफ़र पर निकल पड़े। सतौन के बाद फिर शुरू हो जाती है चढ़ाई। पांवटा साहिब और राजबन एरिया तो समतल व मैदानी है तो वहाँ पर मौसम भी गर्म रहता है, लेकिन अब जैसे जैसे हम चढ़ाई चढ़ते जाएंगे मौसम ठंडा होता जाएगा। हालांकि आज हर जगह बारिश हो रही है तो मौसम तो सुहावना ही है। इस एरिया के पहाड़ों में चूना पत्थर भी काफ़ी पाया जाता है। राजबन सीमेंट प्लांट को भी चूना पत्थर सप्लाई करने के लिए यहाँ कई माइंस बनी हुई हैं और रोपवे ट्रॉली के थ्रू ये राजबन तक पहुँचाया जाता है।
दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सिरमौर ज़िला का ये गिरिपार क्षेत्र है और ये है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन ये एरिया टूरिज़्म के लिहाज से उतना डेवलप नहीं है। इस रोड पर कई छोटे बड़े कस्बे मिल जाएंगे जहां थोड़ी बहुत ठहरने की सुविधाएं यानी होटल्स या गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। बाकी यहां के नज़दीकी बड़े शहर पांवटा साहिब या देहरादून ही हैं। यहां के लोगों को रोज़गार के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए अक्सर दूसरे बड़े शहरों में जाना ही पड़ता है। सेब की पैदावार इस क्षेत्र में कम ही होती है। यहाँ के किसान मुख्य रूप से सब्जियाँ, फल, गेहूँ और मक्की वगैरह उगाते हैं। सिरमौर ज़िला में अदरक और लहसुन की पैदावार काफ़ी होती है और यहाँ का लहसुन अदरक सबसे उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। इसके बाद जल्दी ही फिर हम पहुंच गए कमरऊ। कमरऊ 1550 मीटर की ऊंचाई पर है और ट्रांसगिरी यानी गिरिपार का एक बड़ा गांव भी है। कमरऊ को एशिया का सबसे अमीर गांव होने का भी दावा किया जाता है, क्योंकि यहां पर चूना पत्थर का बड़ा व्यापार हो रहा है, जिससे यहां के लोगों की आमदनी काफ़ी ज़्यादा है। मौसम तो आप देख ही रहे हैं, हर तरफ बादलों की धुंध छा गई है। हालांकि ये सब दृश्य कैमरा में ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे। एक तो बारिश लग रही है और ऊपर से बस की विंडशील्ड भी क्रैक है और वाइपर भी नहीं चल रहे, पर आप थोड़ा बहुत देखकर इस सुहावने मौसम का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। बारिश की वजह से मौसम तो अच्छा है, पर सड़क की हालत ख़राब हो गई है। इस NH के काफ़ी पैचेस बन भी गए हैं, लेकिन जो अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट्स हैं वहाँ पर काफ़ी दिक्कत है। पानी आने से फिसलन हो गई है तो गाड़ियाँ भी स्किड होने का डर बना रहता है। धुंध की वजह से वैसे यहाँ की गहरी खाइयाँ नहीं दिखाई दे रही, वरना यहाँ नीचे खाई की तरफ देख कर तो डर भी लगता है। इसके बाद फिर हम पहुंचे कफोटा। कफोटा 1800 मीटर के एलिवेशन पर है और इस रोड का एक बड़ा कस्बा भी है। यहां खाने पीने या ठहरने के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। कोटा से आगे चले तो मौसम थोड़ा खुलना शुरू हुआ, मतलब धुंध व बादल छंट गए और बारिश भी नहीं हो रही, वरना पांवटा साहिब से कोटा तक तो लगातार बारिश ही चल रही थी।
बारिश में हालांकि ट्रैवल का मज़ा तो आता है, पर ऐसे अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स पर थोड़ा डर भी लगा रहता है। फोटा से उतराई उतरने के बाद फिर हम पहुंच गए टिम्बी। टिम्बी भी इस एरिया का एक बड़ा गांव है। जहां ये एरिया बाकी हिमाचल से थोड़ा अलग थलग है, वहीं यहां बसेस की कनेक्टिविटी भी कम है। दिल्ली चंडीगढ़ तो क्या, राजधानी शिमला सहित बाकी हिमाचल के साथ जोड़ने के लिए भी यहां से कोई डायरेक्ट बस नहीं है। यहां का नज़दीकी बड़ा शहर भी पांवटा साहिब या देहरादून ही है। ये गिरिपार एरिया के इंटीरियर गांव हैं, लेकिन इस NH-707 के वायरिंग का काम अगर पूरा हो जाए तो यहां की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। हम हमेशा ही कहते हैं कि किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छी कनेक्टिविटी। इस नेशनल हाईवे के बनने से सच में इस एरिया की तो किस्मत ही बदलने वाली है। लेकिन आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि जिस तरह इतनी सारी ये मशीन्स इन पहाड़ों को काटने में जुटी हैं, तो नेचर का नुकसान भी हो रहा है। और ये सिंगल लेन को डबल लेन करना तो शायद फीजिबल भी है, मगर हिमाचल के जिन डबल लेन रोड्स को 4 लेन किया जा रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन इस मुद्दे पर गंभीर विचार करना ज़रूरी है। टिम्बी से लगातार चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम पहुंचने वाले हैं शिलाई। शिलाई एक बहुत सुंदर शहर है और आप देख सकते हैं कि कैसे बादलों ने इसे छुपा रखा है। पांवटा साहिब से शिलाई की दूरी करीब 70 किलोमीटर है और इसमें हमें 5 घंटे का समय लग गया। पांवटा साहिब से बस 11 बजे निकल गई थी और उसके बाद 57 में 10 मिनट का चाय का ब्रेक था। उसके बाद तो हम लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ शिलाई में अब 15-20 मिनट का ब्रेक होगा। और यहाँ शिलाई में हमारे सब्सक्राइबर और वेलविशर निशांत जी भी मिले। इन्होंने हमें शिलाई के बारे में बहुत कुछ बताया। अभी तो शिलाई एकदम बादलों से घिरा हुआ है, लेकिन थोड़ा ऊपर ऊंचाई पर चढ़कर एक सुंदर व्यू दिखाई देता है। दूर नीचे यहाँ से टोंस नदी भी दिखाई देती है, जिस पर किशाऊ बांध बनाने की योजना है। शिलाई में डिग्री कॉलेज, SDM ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बैंक और हॉस्पिटल जैसी मूलभूत सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। करीब 3:30 बजे फिर हम शिलाई से आगे चल पड़े।
अभी आगे द्राबल गांव तक हमें इस NH-707 पर जाना है और फिर द्राबल से हम लेफ्ट लेकर नैनीधार की तरफ मुड़ जाएंगे। पौंटा साहिब यहां 390 मीटर के एलिवेशन पर था, वहीं शिलाई 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आजकल मानसून के समय में तो यहां अक्सर बादल ही उमड़े रहते हैं, कई जगह तो विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। शिलाई से आगे फिर हमें द्राबल तक फिर से उतराई उतरनी है। सड़क इस तरफ काफ़ी जगह ठीक बन गई है, मगर कुछ पैचेस पर काम चल रहा है। ये NH-707 आगे मीनस, गुम्मा, फेडिस पुल, त्यूनी और आराकोट से होते हुए हाटकोटी तक डबल लेन बन रहा है। हिली टेरेन होने की वजह से बरसात में ये सड़क अक्सर बंद भी हो जाती है, और आजकल तो वैसे ही हर जगह पहाड़ खोदे हुए हैं। उस केस में फिर मीनस व विकास नगर होते हुए पौंटा साहिब जाना पड़ता है, क्योंकि वो रास्ता नीचे नदी के किनारे से होकर बना है और उसमें ट्रैवल टाइम भी कम हो जाता है। जल्दी ही फिर हम पहुंच गए द्राबल, जहां से हमें NH-707 छोड़कर नैनीधार वाले रोड पर डाइवर्ट होना है। NH-707 वो नीचे रह गया और हम आ गए हैं इस सिंगल लेन रोड पर। अब तक हम आपको यही कह रहे थे कि ये सिरमौर ज़िला के पिछड़े व दूर दराज के क्षेत्र हैं, लेकिन अब इस रोड पर चढ़ाई चढ़ने के बाद हम और ज़्यादा दुर्गम एरिया में पहुंच जाएंगे। पौंटा साहिब से कुफोटा तक तो हमें लगातार बारिश ही मिली, लेकिन उसके बाद मौसम ठीक था और ये रोड भी चलो पक्का है, वरना यहाँ पर बारिश और कच्चा रोड होता तो फिर दिक्कत होती। सिरमौर ज़िला के इस गिरिपार यानी ट्रांसगिरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में हाटी समुदाय के लोग रहते हैं, और उन लोगों की लंबे समय से मांग थी कि उनके इस क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। इसके लिए हाटी समुदाय को एक लंबा संघर्ष भी करना पड़ा। ये सारा क्षेत्र उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी ज़िला से सटा है, और जौनसर बाबर जो कि उत्तराखंड की एक कम्युनिटी है, वो भी कभी गिरिपार का ही हिस्सा हुआ करती थी। उनका रहना सहना, संस्कृति व बोली सब कुछ हाटी कम्युनिटी जैसा ही है, लेकिन जौनसर बाबर को बहुत पहले ही जनजाति दर्जा मिल चुका था, बस हाटी समुदाय अब तक इससे वंचित था। हाटी शब्द का ओरिजिन हुआ है हाट से, हाट यानी हट्टी मतलब दुकान। पहले के ज़माने में दूर दराज पहाड़ों में रहने वाले लोग अपने यहाँ से दूध, सब्जियाँ या फ्रूट्स जैसी रोज़ाना ज़रूरत वाली चीज़ें लेकर देहरादून या चकराता जैसे शहरों की हाटों पर बेचने के लिए आते थे, इसलिए उन्हें हाटी नाम से जाना जाता था। यहाँ की संस्कृति व रीति रिवाज भी काफ़ी अलग हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख है जोड़ीदारी प्रथा। यहाँ कई परिवार ऐसे होते हैं जिनमें सभी भाइयों की एक ही पत्नी होती है, चाहे वो दो हों, चार या पाँच। सुनने में चाहे अटपटा लगे, लेकिन ये सच है।
परिवार में एक से अधिक मर्द हों तो उन सबकी एक ही बीवी होती है और इस रिवाज को कोई ज़बरदस्ती नहीं, सबकी सहमति से ही चलाया जाता है। ऐसा इसीलिए ताकि परिवार बड़ा ना हो, क्योंकि आय के साधन तो सीमित ही होते थे और अक्सर एक भाई को घर से दूर रहना पड़ता था तो उसकी गैर मौजूदगी में दूसरा भाई उसकी पत्नी की देखरेख करता था। एक दूसरा तर्क ये भी दिया जाता है कि यहाँ पर एक या दो भाइयों को घर से बाहर काम के लिए जाना ही पड़ता था और यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में वो वापस सुरक्षित लौटेगा भी या नहीं, इसका कुछ नहीं पता होता था। खैर, वजह जो भी रही हो, आजकल ये प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है, मगर ख़त्म हो गई ऐसा भी नहीं है। आज भी यहाँ पर कई जोड़ीदार प्रथा देखने को मिल जाती हैं। जहाँ कुछ नौजवान इसे आगे बढ़ाए रखने के लिए भी रुचि रखते हैं, वहीं कुछ लोग इसे अभिशाप मानते हैं। उत्तराखंड के जौनसर बाबर समुदाय में भी यही रीत प्रचलित थी। ये आगे से नाहन कुहट बस आ गई, जो कि नाहन से सुबह चलकर रेणुका जी, संगड़ाहा, हरिपुरधार व रोनहाट होते हुए नैनीधार पहुंचती है और यहां से आगे शिलाई होते हुए ये कुहट गांव तक जाएगी। द्राबिल से लगातार 9 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच गए नैनीधार। नैनीधार शिलाई तहसील का गाँव है, जो कि काफ़ी इंटीरियर में आकर बसा है। यहाँ से आसपास हर जगह आपको सुंदर पहाड़ों के व्यूज़ दिखाई देंगे। हमारी बस नैनीधार गांव में सवारियां ड्रॉप करने भी गई। यहाँ एक छोटी सी मार्केट है जहाँ रोज़ाना ज़रूरत का सामान मिल जाता है। इसके बाद फिर हम नैनीधार से गत्ताधार की ओर निकल गए। नैनीधार के पास है धीराइना गांव और ये गांव इसीलिए मशहूर है क्योंकि दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली, जो कि इंडिया के एक मशहूर रेसलर हैं जिन्हें आप सब जानते ही होंगे, उनका गांव है और उनका, दिलीप सिंह राणा ग्रेट खली का जन्म इसी गांव में हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ग्रेट खली का गांव कितने इंटीरियर में है, शायद इसीलिए वो इतने स्ट्रांग हैं। यहाँ आसपास कई छोटे छोटे गाँव दिखाई देते हैं जहाँ पर देवता के मंदिर दूर से अलग ही पहचान में आ जाते हैं। फिर यहाँ से हमारी बस लोजा गांव के लिए मुड़ गई, जो कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जाकर है। लोजा में सवारियाँ ड्रॉप करने के बाद बस वापस यहीं पर आएगी। शिमला डिपो की शिमला रोनहाट बस भी यहाँ इस लोजा गांव तक ही आती है। तो मैं यहीं पर उतर गया कि इतने में थोड़ा यहाँ वहाँ की खूबसूरती को निहार लेता हूँ। सामने शायद ये हलान गांव है और आप देख ही सकते हैं कि ये कितनी सुंदर जगह पर है। यहाँ से नीचे की तरफ तांदियो रास्त व रोनहाट है और यहाँ पर ये मुझे कुछ बच्चे भी मिल गए जो यहाँ पर अपनी गाय चराने और घास लेने आए हुए हैं। ये आपकी गाय है? गाय नहीं है, बैल है। बैल है? अच्छा, सुना है कभी भाखड़ा डैम का नाम? सुना है? पहली बार सुना है? पांटा से काफी दूर है, 200 किलोमीटर, 250। सारे पढ़ते हैं? सारे नहीं,
क्यों छोटा है इसीलिए? अच्छा बाकी तो आज छुट्टी है, आज छुट्टी आपकी? किस चीज की है? किस चीज की छुट्टी आज? दस पंद्रह मिनट मैं यहाँ इन बच्चों से बातें करता रहा और इतने में मेरी बस भी वापस आ गई। लोजा से थोड़ा ही आगे अब मुझे ये बस छोड़नी पड़ेगी। बस का रूट तो पौंटा साहिब से गत्ताधार है, पर यह बस गत्ताधार गांव तक नहीं जाएगी। यहां आगे एक डाइवर्जन है जहां से एक प्राइवेट बस गत्ताधार के लिए मिल जाएगी, जो कि थोड़ा अलग रास्ते से होकर जाती है। तो मैं यहाँ इस बस से उतर गया और हमारी बस आगे पंजोड़ गांव तक जाएगी, लेकिन एक प्राइवेट बस जो कि इसके पीछे आती है वो नीचे वाले रास्ते से होकर गत्ताधार जाएगी। मेरे साथ गत्ताधार जाने वाली कुछ सवारियाँ थी जो यहाँ पर उतर गईं, वरना ऐसे जंगल में मैं अकेला तो कभी ना उतरता, क्योंकि ये अनजान जगह, घना जंगल, आसपास कोई आबादी नहीं और ऊपर से रात होने को है, तो अकेले यहाँ रुकना तो वैसे भी सेफ नहीं था। जंगल खत्म करके आगे दिन। गत्ताधार में रहते हो आप? कहाँ? तो यहाँ क्यों जा रहे हो? नानी के घर? नानी के घर है यहाँ पे? अच्छा। जल्दी ही फिर वो प्राइवेट बस भी यहाँ पर आ गई। गत्ताधार जाने का पुराना रास्ता तो वही है जहाँ से HRTC बस गई, लेकिन ये लोअर पंजोट से होकर एक नया रास्ता बना है, तो काफ़ी सारे गांवों को ये कवर होते हुए हैं, इसीलिए ये प्राइवेट बस इस तरफ से जाती है। वो ऊपर HRTC बस भी रुकी दिखाई दे रही है जिसमें मैं आया हूँ। जैसा कि हमने अपनी 6 Days with HRTC बस सीरीज़ में बताया था कि ये सब गांव हैं तो आमने सामने, पर बाय रोड जाने में टाइम बहुत लग जाता है। नैनीधार से गत्ताधार आने में करीब 1.5 घंटा लग जाता है, मगर वो दिखता एकदम सामने ही है। अभी शाम हो गई है और जल्दी ही अंधेरा भी हो जाएगा। गत्ताधार वो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी वहाँ तक जाने में 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे, और सड़क भी कच्ची है तो यहाँ पर स्पीड तो वही 10 से 15 किलोमीटर पर आर की रहती है। फिर जल्दी ही हम पहुंच गए गत्ताधार, और यहां हमें ये शिमला रोनहार्ट बस भी मिल गई, और ये बस मिली भी ऐसे पॉइंट पर जहां पास देने के लिए जगह बहुत ही कम थी, और हमारी बस के ड्राइवर तो उसे इतने एज पर ले गए कि मैं तो वैसे ही डर के मारे नीचे उतर गया। कहां पे है? बस में सामान है मेरा। बस कहाँ रुकेगी? बस तो वापस जाएगी। खैर, शाम 7:30 बजे के करीब मैं गत्ताधार पहुंच गया। अभी अंधेरा है तो सीधे मैं यहाँ एक गेस्ट हाउस में गया और रूम लिया,
दरअसल बस में ही एक पैसेंजर थे जिन्होंने मेरे लिए यहाँ पर रूम के लिए बोल दिया था। तो यहाँ फ्रेश होकर मैं फिर डिनर किया और उसके बाद सो गया। गत्ताधार तहसील संगड़ा में बसा एक छोटा सा गांव है जो कि काफ़ी खूबसूरत है लेकिन उतना फेमस नहीं है। यहाँ पास में ही जूणीधार है जहाँ के लिए 4 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना होता है और वहाँ ऊंचाई से और भी सुंदर व्यूज़ दिखाई देते हैं। यहाँ की बाकी बातें करेंगे इसके अगले पार्ट में और साथ ही आपको हरिपुर धार भी लेकर चलेंगे और वहाँ पर भंगाइणी माता के दर्शन भी करवाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज़ के दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।